नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पीजीटी मॉक टेस्ट है ये, राजनीति विज्ञान का मॉक टेस्ट है और यह सातवां मॉक टेस्ट है पीजीटी राजनीति विज्ञान का। यह पीजीटी राजनीति विज्ञान के लिए भी और साथ ही साथ टीजीटी सोशल साइंस में भी जिनका सिविक्स सब्जेक्ट है उन सब के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो आइए यह सातवां मॉक टेस्ट देखते हैं, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पीजीटी सिविक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और यह टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी उपयोगी है, साथ ही साथ पीजीटी में राजनीति विज्ञान के लिए भी उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी लोग यूपी टीजीटी पीजीटी में किसी भी विषय का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, टीजीटी पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट हो हर सब्जेक्ट का मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को ग्रुप से भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा, जहाँ आप लोग को इसी तरह के मॉक टेस्ट के पीडीएफ आप लोग को मिलते रहेंगे। अगर परीक्षा होने तक अगर आप लोग हमको फॉलो करते हैं, जो भी लोग हैं सीरियस बोल रहा हूँ, अगर आप लोग परीक्षा होने तक हमें फॉलो करते हैं तो परीक्षा होने तक अगर आप फॉलो करते हैं तो परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी मिलेगी, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं वह रामबाण होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। या जो भी प्रश्न है यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, और परीक्षा होने तक लगातार साथ रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आप लोगों को स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, वह छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। तो यह तो सही है। दूसरा देखिएगा, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। तो शहरों में पार्षद होते हैं, निर्वाचित होते हैं, आपको पता है। तीसरा देखिएगा, पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, जबकि उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, तो 1, 2, 3 तीनों से सत्य है, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, ऐसे जटिल निर्णयों को पार्षद समूह द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियों का निर्माण करते हैं जो मुद्दों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेती है। प्रश्न दो देखिएगा, निम्नलिखित करों पर विचार करिए। संपत्ति कर, पानी व अन्य सुविधाओं पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, उपरोक्त में से कौन सा कर नगर निगम की आय का स्रोत होता है। तो ये बताना है नगर निगम की आय का स्रोत कौन सा कर होता है। तो देखिए नगर निगम के आय के जो स्रोत होते हैं वह संपत्ति कर भी होते हैं, कभी कभी किसी से लिखा जाता है संपत्ति कर, या आमतौर पर ज़्यादा प्रचलित नहीं होता है, संपत्ति कर भी होता है, पानी व अन्य सुविधाओं पर भी कर होता है, शिक्षा कर भी होता है, मनोरंजन कर भी होता है। तो ये सभी नगर निगम की आय के स्रोत में शामिल होता है। 1, 2, 3, 4 मतलब विकल्प डी जो है वह सत्य है, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, नीचे दिए गए सभी कर नगर निगम की आय के स्रोत में शामिल होते हैं। तो यह इतना बस इतना ही व्याख्या है, बस यह जान लीजिएगा। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिनको भी मटेरियल चाहिए टीजीटी पीजीटी में किसी भी विषय का, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग को शो कर रहा है। धन्यवाद।